नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके परिवार में बहुत सी समस्याएँ थीं, परंतु उन्होंने पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हुए एक विद्वान व्यक्ति बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें आपको बाजार में मिल जाएंगी, जिनमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में और उन्होंने जो कठिनाइयों का सामना किया उनके बारे में लिखा है। उनके काम में उनका साहस और आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज में सुधार की बात करी, जैसे कि समानता और अधिकार की मांग करी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़े और उनके अधिकारों के लिए मांग की। उनके सार्वजनिक जीवन के दौरान वो बहुत ही समस्याओं का सामना किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान और भी बढ़ जाता है जब उन्होंने नए भारत के निर्माण की बात की और हमें इस बात का संदेश दिया कि सब लोग एक समान हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इतना ही जानेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।